धातु रोग पिसाब संबंधी समस्या यो जीवाणु द्वारा यौन संपर्क को माध्यम से सर्ने प्रजनन र मूत्र प्रणाली को रोग हो। पिसाब में बीरे जाने परमेह र पिसाब पोल्ने में घरमें उपचार के गर्न सकिन्छ। एक नंबर बर को कमलो पात 20 ग्राम थीचे पानी में भिजाउने 12 घंटा पछि त्यसलाई थीचेर त्यसलाई मिचेर छानी मिश्री मिलाएर 2 गिलास पानी पिउने दिन को 2 पटक साँझ बिहान केही दिनसम्म पिउने। दुई नंबर बर को बोक्रा 10 ग्राम पिसेर चंदन बनाई आधा लिटर पानी में घोले मिश्री मिलाएर साँझ बिहान केही दिनसम्म खाने। त्यस्तै गरी परमेह में एक नंबर तुलसी को दाना 3 ग्राम आधा पाव पानी में भिजाएर राख्ने बिहान त्यसलाई खूब मोलेर त्यसमा मेथी को धुलो 5 ग्राम मिलाई 40 दिनसम्म पिउने। दुई नंबर तुलसी को दाना को चूर्ण 5 ग्राम पुरानो गुड 10 ग्राम मिलाएर गाई को धारोस् न दुहुँदा बित्तिकै को दूधसित बिहान बिहान 40 दिनसम्म पिउने गर्नाले परमेह संबंधी उपद्रव ठीक हुन्छ। नागरमुथे घर्रा को बोक्रा लोद र काफल को बोक्रा को चूर्ण संभाग मिलाई 10 ग्राम को मात्रा दिन में 2 पटक सेवन गर्नाले धेरै खाले परमेह नष्ट हुन्छ। यो थियो धातु रोग अथवा पिसाब संबंधी समस्या को घरेलू समाधान के गर्ने भन्ने विषय में जानकारी। सुनेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो भिडियोलाई मन परेमा शेयरिङ गर्न र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद।